गाइज वेलकम बैक टू द टीओसी प्लेलिस्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट टू ऑफ डीएफए टू आरिया और वी कैन से अर्डेन थ्योरम। तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर देखो यहाँ पर एक आंसर दे रखा है आपको और एक ये डायग्राम दे रखा है। इससे आपको ये निकाल के देना है आपको, मतलब आंसर में ये दे रखा है, प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो इसके अंदर देखें तो मैं ये तीनों इक्वेशन कैसे बनाता हूँ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि मेरे को क्यू वन कब कब मिलेगा। क्यू वन के अगर वन दूंगा तो क्यू वन मिलेगा, और जैसे क्यू टू पर अगर मैं जीरो देता हूँ तो मुझे क्यू वन मिलता है, और कुछ भी ना दूँ क्योंकि इनिशियल है तो मेरे को नल मिलता है। तो नल मिलेगा या फिर क्यू वन पे वन देने पर या क्यू टू पे जीरो देने पे क्यू वन मिलता है। ऐसे क्यू टू कब कब मिलेगा, क्यू वन पे वन दूंगा अगर मैं तो क्यू टू मिल जाएगा, क्यू टू पे जीरो दूंगा तो क्यू टू मिल जाएगा, क्यू थ्री पर वन दूंगा तो क्यू टू मिल जाएगा। इसी प्रकार क्यू थ्री कब मिल रहा है, क्यू टू पे वन देने पर क्यू थ्री मिल रहा है। तो ये तीनों इक्वेशन मिल गई। अब अगर नल को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस वाली में देखो जैसे क्यू टू है, क्यू वन है और ये है, अगर मैं इसमें से इसको कॉमन ले लूँ यानी क्यू टू को कॉमन ले लूँ तो जीरो प्लस इलेवन बचता है। इक्वेशन टू की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को देखो अगर मैं देखूँ ये आर है, ये पूरा क्यू है, ये दोबारा आर बन गया और ये पी बन गया। तो इस तरह से क्या है, मेरे को बनाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ कॉमन लेने पर क्या बन सकता है। तो ये अर्डेन थ्योरम बन रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, आर क्यू पी स्टार। अब पी क्यू मेरा क्या है, क्यू वन पी और सॉरी क्यू वन वन, और पी क्या है मेरा जीरो प्लस वन वन। तो ये मेरा मिल गया यहाँ पर रिजल्ट। आए समझ में ये नया इक्वेशन कैसे बना, इस वाले सॉल्यूशन से मैंने ये बना दिया। अब इक्वेशन वन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर वन लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर क्यू टू था, तो मैं अगर इक्वेशन नंबर वन के अंदर क्यू टू की वैल्यू रख दूँ, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, क्यू टू जीरो था ना, तो क्यू टू की पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो नल का तो कोई वैल्यू हटानी है तो नल को हटा भी सकते हो आप, और यहाँ पे देखो नल को चलो रखते एक बार, ठीक है। और यहाँ देखो ये क्या है मेरा Q1, तो इधर Q1 है इधर Q1 है, दोनों को कॉमन ले लूँ तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो देखो ये चीज़ अंदर बच गई मेरी, अंदर बच गई। अब देखो यहाँ पर अर्डेन थ्योरम दोबारा लग गई है, पूरा Q बन गया नल, ये R बन गया, ये इधर आ रही, ये पूरा P बन गया, पूरा P बन गया। तो ये देखो Q P स्टार, तो ये देखो नल आ गया वन प्लस ये पूरे पर स्टार लग गया, पूरे पर स्टार लग गया। अब देखो इक्वेशन नंबर फोर थी हमारी ऊपर ऊपर, जिसके अंदर Q1 की वैल्यू हमें बोल रहा था, Q1 की वैल्यू जो बोल रहा था हमें, Q1 की वैल्यू जो बोल रहा था ना हमें, उसके अंदर देखो Q1 की वैल्यू हमारे पास है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वैल्यू अगर पुट कर सकते हैं तो ये देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू Q1 की Q2 के अंदर। अब देखो कि मेरा जो फाइनल स्टेट कौन सी है, अब मुझे Q2 की प्रॉपर वैल्यू मिल गई। और अगर मैं बात करूँ Q2 की, Q3 की वैल्यू जो Q3 के है फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट की वैल्यू क्या थी मेरी, Q3 इक्वल टू Q2 वन, Q2 की पूरी वैल्यू है तो रख दो भाई पूरी वैल्यू। ये कहाँ से मिली, Q1 वन से यहाँ से मिली, वन की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली थी आपके सामने, ये यहाँ पुट करी, पूरी Q2 की वैल्यू ये रही। अब पूरे Q2 की वैल्यू मैंने Q3 में रख दी और मेरे बाहर क्या था वन, तो ये पूरा वैल्यू आ गया। नल का कोई वैल्यू होता नहीं, नल यहाँ से हटा दिया मैंने और ये पूरा यहाँ पे बन गया, ये रहा वन। तो ये ऐसे हमने ये चीज़ क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस करते रहो इसकी, और कोई भी डाउट आओ तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।